रामानंद सागर के फेमस सीरियल श्री कृष्णा में भगवान कृष्ण का रोल प्ले करने वाले एक्टर सर्वदमन डी बनर्जी लंबे टाइम से एक्टिंग वर्ल्ड से गायब हैं। उन्हें किसी भी शो में काफी टाइम से नहीं देखा गया, लेकिन अगर 90s के दौर की बात करें तो ये वो वक्त था जब हर रविवार को श्री कृष्णा आता था और इसमें सर्वदमन को देख कर ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात श्री कृष्णा अवतरित हुए हों। सर्वदमन की आंखों की चमक ऐसी थी कि दिल को छू जाती थी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी कृष्ण बनकर सबका दिल जीतने वाले सर्वदमन अब टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह चुके हैं। तो वैसे में आप जानना चाहेंगे कि कहां है सर्वदमन और क्या कर रहे हैं, तो चलिए ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सर्वदमन डी बनर्जी इस वक्त ऋषिकेश में रहते हैं और लोगों को मेडिटेशन करवाते हैं। वो पंख नाम के एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं और इसके जरिए वो 200 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं, साथ ही करीब 50 महिलाओं को जीवन यापन की ट्रेनिंग भी देते हैं। बता दें कि कुछ टाइम पहले ही सर्वदमन की जिम में एक्सरसाइज करते हुए कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसके बाद सर्वदमन दोबारा लाइमलाइट में आए थे। आपको बता दें कि लोग नहीं जानते होंगे कि टीवी पर श्री कृष्ण का किरदार निभाने के अलावा सर्वदमन ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने कई हिंदी, संस्कृत और तेलुगु फिल्मों में काम किया। 1983 में आई फिल्म आदि शंकराचार्य में सर्वदमन लीड रोल निभा चुके हैं। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। हालांकि उन्हें फिल्मों में वो पहचान नहीं मिल सकी जो उन्हें श्री कृष्णा ने दिलाई, मगर इस शो के बाद सर्वदमन ने इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अब ऋषिकेश में एक आम आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं,